हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जो कि है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसकी वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट कितनी है, वो सब आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पोस्ट निकली है। तो वो है ऑफिसर एनालिस्ट की, और ऑफिसर एनालिस्ट की पोस्ट जो निकली है वो है एज पर योर स्ट्रीम, और स्ट्रीम की लिस्ट भी आपको यहाँ पे साथ में शो हो रही होगी। जिनने भी इन सब स्ट्रीम में अपनी क्वालिफिकेशन की हुई है वो इस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका पे स्केल भी काफी अच्छा है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब निकली थी और कब तक है। तो ये निकली थी 23/10, मतलब अक्टूबर में निकली थी, और इसकी लास्ट डेट है 13/11/2023। तो अभी इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसे फिल कर सकते हो। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो है ऑनलाइन टेस्ट, जो आप रीजनिंग देते हो, क्वांट, इंग्लिश, ये सारी चीजें, देन इंटरव्यू। एनुअल सैलरी अगर देखी जाए वो है 14.83 लाख, तो ये काफी अच्छी सैलरी है, और जो भी इसकी स्ट्रीम में फॉल करते हैं वो सारे कैंडिडेट्स इसे फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज इसकी 50+ हैं, अराउंड 56 हम बोल सकते हैं, अराउंड 56 इसकी वैकेंसीज हैं। अब बहुत से लोगों को ऐसा भी लगेगा कि 56 वैकेंसीज तो कुछ नहीं होती, तो हमने क्या करना है ये फॉर्म फिल करके, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी बैंक की एग्जाम की तैयारी, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही सारा बेसिक आना है जो बाकी बैंक के पेपरों में आता है। तो कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है बैंक के रिलेटेड, तो देन जस्ट गो फॉर इट, आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि कभी किस्मत का भी पता नहीं होता। आपका हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन किस्मत का पता नहीं होता, इसलिए आप एग्जाम दे दिया करो, चाहे वैकेंसीज उसकी जितनी भी क्यों ना हो। मिनिमम एज है 21 एंड मैक्सिमम एज है 32 इयर्स। देन क्वालिफिकेशन एज पर योर स्ट्रीम, अगर आपने MBA फाइनेंस में किया है तो आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। अगर लैंडिंग ऑपरेशंस की देखें तो उसकी अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की अलग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अलग है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल में देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।